नागपुर के रवि भवन में संपन्न हुई केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की वार्षिक बैठक। इस संगठन में 10 दिसंबर 2021 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन नागपुर में आयोजित होगा। नागपुर के रवि भवन में संपन्न हुई केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की बैठक। इस बैठक में तय किया गया कि 10 दिसंबर 2021 ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन नागपुर में मनाया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद देहवले ने अभी तक के किए गए कार्य की उपलब्धियों के बारे में बताया, साथ ही आगे होने वाले सम्मेलन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर देहवले ने कहा कि जो सदस्य सिर्फ कार्ड लेकर बैठे हैं, जो संगठन के नियम के अनुसार कार्य करने में असक्षम है, ऐसे सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता अब रद्द कर दी जाएगी। जो संगठन के नियम के अनुसार कार्य करने में असक्षम है, ऐसे सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सदस्य संगठन में रहकर अन्य संगठन की तरफदारी करते दिख रहा है, ऐसे सदस्यों के ऊपर पौनी नजर है संगठन की। संगठन को आंतरिक खोखला कर संगठन की टीम को तोड़ने वाले लोगों पर संगठन जल्द ही कार्रवाई करेगा। जिन लोगों को संगठन द्वारा निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों पर संगठन अन्य तरीके से कार्रवाई करेगा। संगठन के सदस्यों को अपील की जाती है कि वह सप्ताह में एक बार या सप्ताह के दो दिन में संगठन के हेल्पलाइन नंबर 9552011005 पर संपर्क कर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद देहवले सर से डायरेक्ट बात कर संगठन का मार्गदर्शन प्राप्त करें। जिन लोगों को संगठन से निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों का संगठन से अभी कोई वास्ता नहीं रहा है। यदि ऐसे निष्कासित व्यक्तियों द्वारा केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों पर संगठन जल्द ही कार्रवाई करेगा। हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन आने वाले 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन नागपुर में मनाया जा रहा है। इस समारोह में वीआईपी सेलिब्रिटी एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस वर्ष का मानवाधिकार रत्न, समाज भूषण और करोना योद्धा पुरस्कार से विभिन्न क्षेत्र के लोगों को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु संगठन के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर मिलिंद देहवले सर को 9552011005 पर व्हाट्सएप के द्वारा पुरस्कार स्वीकृति हेतु लिखित आवेदन 25 अक्टूबर तक भेजना अनिवार्य है। बाद में प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन हर जिले में असहाय गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, उनके लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है, जटिल एवं महंगे ऑपरेशन के समय लोगों की संगठन मदद करता है। संगठन द्वारा हर जिले में अब निशुल्क रुग्णवाहिका एम्बुलेंस की सेवा शुरू करने का कार्य शुरू हो चुका है। हर जिले में प्रस्ताव किया गया है कि जहां पर भी 100 से अधिक सक्रिय सदस्य है, वहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहीवले स्वयं जाकर उस जिले का दौरा कर वहां पर जनसेवा के लिए एम्बुलेंस निशुल्क सेवा सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। संगठन के हर शहर में कार्यालय और नए सरकार मान्य प्रोजेक्ट भी जल्दी शुरू किए जाएंगे, जिसमें कई बेरोजगार युवती युवकों को संगठन के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। खरतर आज प्रथमतः पुढे बोलताना त्यांनी आपल्याला जे उद्घोषित केलं, जे प्रबोधन केलं, जे मार्गदर्शन केलं आणि आज आम्हाला गर्व वाटावा, आम्हाला त्याचा खूप मोठा स्वाभिमान वाटावा, कारण आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या औचित्य घेऊन मला चार ओळी त्यांच्या पुरेशा लिहिलेल्या आहेत। ते अशा की तू कितने लोगों का सुकून भी है, वंचित उपेक्षित जी लोक आहेत, तू कितने लोगों का सुकून भी है, तू हमारे संगठन का बड़ा एहसास भी है, तू तो हमारा कोहिनूर है, तू तो हमारा कोहिनूर है, न जाने इंसानों को इंसाने बनाने का तुझ में सवार कितना कैसा जुनून है। आणि या आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आज त्यांना करोडो की बस्ती में एक दिलदार हस्ती तो हमारा मिलित देवली होगा और हमें गर्व है कि आज उनका जन्मदिन है, तो सारी दवा और दुआ बांटने वाला इंसान को बस ये खारवा के पीछे, हम हमारी दवा और दुआ इनके पीछे रखेंगे और यही अपने समाज के प्रति ये कारवा इनके हाथों से बटे रहे। सर तुम्हाला खूप मोठा आयुष्य लाभो, याच याच्यापेक्षा आम्ही दुसरं काही मागणार नाही,
कारण असं म्हणतात लाख मेले तरी चालतील पण लाखाचा पोशिंदा मरता का नाही. अरे आमच्यासारखे आले काय आणि गेले काय, तुमच्यासारखे जगले पाहिजे जगले पाहिजे, कारण इतरांना तुम्हाला जगवायचं या प्रकारे तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो. आणि या संदर्भामध्ये दोन काही गोष्टी सांगण्याचा किंवा शेअर करण्याचा प्रयत्न करतो. कम समय में ज्यादा किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, आज तक सर के साथ हम इतने दिनों से जुड़े हैं, पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग से लेके हर चीज की प्लानिंग उनके पास में इंट्रोडक्शन रहती है. अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ. तो सर के साथ जुड़ते हुए कई अभी लंबे समय हमारे चलते गए, HRQP लॉन्च हो चुका है. समाज हितों पर कार्य करने वाला संगठन एवं संगठन का राष्ट्रीय मुखपत्र दैनिक केंद्रीय मानवाधिकार भी अभी हर जिले में एडिशन के द्वारा शुरू होने जा रहा है. संगठन के मालक प्रकाशक मुद्रक डॉक्टर मिलिंद दहीवले ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. संगठन हमारे मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, हमेशा पीड़ित शोषित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी समय तक लड़ता है. जब तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक संगठन लड़ता है. संगठन अच्छी मानसिकता और उच्च विचारों के व्यक्ति को संगठन से जोड़ना चाहता है. कोई भी व्यक्ति संगठन का हिस्सा बनकर संगठन में कार्य कर सकता है. सभी सदस्यों को परिचय पत्र को रिन्यूअल करने को कहा गया है. 11 अक्टूबर को संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहीवले सर का जन्मदिन था. इस कारणवश देश विदेश से कई लोगों ने जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी. संगठन के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी डॉक्टर देवानंद नंदागौली ने भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उन्हें भेंट स्वरूप में दी. और अधिकार के प्रति अग्रेसिव हो जाते हैं, मगर जितने अधिकार है उतने कर्तव्य भी है. इन चीजों को हमें जानना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर हमने हमारे राइट्स को समझा, हमारा भारतीय संविधान को हमने पढ़ा, हमारे जो IPCs है, हमारे भारत की दंड संहिता है वो अगर हमने देखी, हमारे महाराष्ट्र का पुलिस कायदा है CRPC वो यदि हमने पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि हमको ज़्यादा पुलिस स्टेशन के दरवाजे खोलने पड़ेंगे या न्यायपालिका के दरवाजे तो जाना पड़ेगा. अगर हम अवेयर रहेंगे, सजग रहेंगे, तो ही हम लोग समाज में एक नई क्रांति ला सकेंगे. और ये जो कारवा मैंने 2010 से शुरू किया था, मैं अकेला ही निकला था, मेरे पीछे मेरी परचाई थी, मैं चलता गया, कारवा बढ़ता गया और आज मेरे साथ करीब भारतवर्ष के अंदर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं. कई ऐसे अवसर भी आए हैं जहां दुबई बुलाया जाता है, कहीं नेपाल बुलाया जाता है, अभी UAE में भी जाने का भी चांस चल रहा है. मानवाधिकार इस शब्द को लेके चलते समय हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लोगों को आज तक समझ नहीं आता कि हमारे राइट्स क्या है और उसके लिए अगर हम लड़ते हैं तो कोई ना कोई चीज़ सामने लानी पड़ती है, कोई ना कोई टॉपिक सामने लाना पड़ता है और कोई ना कोई टाइटल सामने लाना पड़ता है. तो वो टाइटल है ह्यूमन राइट्स, यानी हम लोग हिंदी में बोलेंगे मानवाधिकार और मराठी में बोलेंगे मानव अधिकार. ऐसे अधिकारों के साथ जब हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसे बहुत से लोग तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं. इस समय संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमेश्वर भगत, संगठन के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर पंकज इंगले, राष्ट्रीय प्रचार सचिव शिव यादव, महाराष्ट्र राज्य महासचिव संजू भटकर, राज्य उपाध्यक्ष श्री नीलेश बोपचे, प्रदेश उपाध्यक्ष सौ अनिता दारवेकर, विदर्भ सचिव श्री विजय थूल, महाराष्ट्र सचिव श्री अखिल पवार, महिला समुपदेशन विभाग से सौ पूर्णिमा रंगारी, महाराष्ट्र राज्य सचिव श्री निखिलेश मेश्राव, अमन पाटिल, विनायक बैलमारे, मुंबई विभाग के उपाध्यक्ष श्री विकास हिवाले, डॉक्टर संजय पराते, श्री महेश लिल्लारे, राजू गजबे एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे.